हेलो साथियों, एसएससी की तरफ से 2020 में आ गई है एक बहुत बड़ी भर्ती, जिसके लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे, कब से कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहा, क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कब से कब तक करना है होगा। यहाँ पे देख लीजिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/7/2020 से लेके 6/7/2020 के बीच में आपका अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो आपका लास्ट डेट में रिसीव किया जाएगा एप्लीकेशन, उसके पहले कर लेना होगा। 16/7/2020 के पहले पहले आप, मतलब 16/7/2020 23 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन जो पेमेंट कर सकते हैं आप 18/7/2020, लास्ट डेट 23 तक कर सकता है। आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये दो स्टेज में एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो एग्ज़ाम होगा 29/9/2020 से लेके 5/10/2020 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। जो पेपर 2 होगा, डेट ऑफ कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन पेपर 2 जो होगा 1/3/2021 में होगा। तो इसके लिए जो आपका पे स्केल मिलने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर GD इन कैप्स के अंदर 35,400 से लेके 1,12,020 में होगा। सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस के अंदर जो होगा 35,400 से लेके 1,12,400 का बीच में होगा। जो पोस्ट के ऊपर बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस मेल के लिए कौन कौन कैटेगरी के ऊपर कितनी पोस्ट के ऊपर बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। ओपन कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो अभी एक नौकरी कर रहा है, एक सर्विसमैन, टोटल वैकेंसी देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के अंदर कौन कौन कैटेगरी के ऊपर कितनी पोस्ट के ऊपर बढ़ती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, रीड करके अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कैप्स के अंदर जो भर्ती आई हुई है, कौन कौन कैटेगरी के ऊपर, कौन कौन कैटेगरी पोस्ट के ऊपर कितनी पोस्ट के ऊपर बढ़ती है, यहाँ पे देख लीजिए। CRPF के अंदर कितना है, मेल के लिए कितना है, UR, EWS, OBC, ST, SC, टोटल फीमेल, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। BSF के लिए, ITBP के लिए, CISF के लिए, SSB के लिए कौन कौन, मेल फीमेल के लिए आप देख लीजिए टोटल पोस्ट कितनी है, ये वो भी देख सकते हैं आप। तो मैं पूरी एक एक नहीं रीड करके आपको बता सकता हूँ, या पे एक एक रीड करके नहीं बता सकता कि वीडियो ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप अच्छे से देख लीजिए। आपका जो ये सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आप भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब ऑल इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ये भर्ती आई हुई है, ऑल इंडिया कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो मांगा है 20 से 25 साल का बीच में आपका एज होना, उम्र होना चाहिए, और जो आपको उम्र सीमा काउंट किया जाएगा 1/1/2020 की पहले से 1/1/2020 तक काउंट किया जाएगा, और कब से कब तक आपका जन्म होना चाहिए 2/1/1996 से लेके 1/1/2001 का बीच में आपका उम्र सीमा होना, जन्म होना चाहिए, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, एक सर्विसमैन के लिए देख लीजिए मिलने वाला है। यहाँ पे NCC का भी बेनिफिट मिलने वाला है, मैं आपको सब में बताने वाला हूँ, आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बात दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। आपका जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, यहाँ पे देख लीजिए, एडुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विपमेंट। आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होने के बाद यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं मांगे, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा। यहाँ पे जो वेबसाइट दिया रखा है ssc.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है SSC का। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर दुकान पे चला जाइए, वहाँ पे जाके बोलिए SSC कैप्स के अंदर भर्ती आई हुई है, उसके लिए आप अप्लाई करना है। तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो फ़ी रखा है, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ रखा है। कुछ कुछ कैटेगरी के लिए फ़ीस नहीं रखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए रीड करके अच्छा से। जो आपका सेंटर होगा, एग्ज़ाम सेंटर होगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर सेंटर कोर्ट, इसका अंदर जितना नाम है उसी पूरी शहर में आपका एग्ज़ाम होगा। जो कौन कौन रीज़न आता है इस शहर के अंदर, यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक रीड करके आपको समझा देता हूँ ताकि आप आगे भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए आप, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मीरपुर, वाराणसी, इसके लिए जो एग्ज़ाम यहाँ पे एग्ज़ाम होगा और इसके लिए जो कौन से रीज़न के अंदर आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए रीज़न। और इसका जो वेबसाइट, ये वेबसाइट, तो ये पूरा पूरा इंडिया में एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देख लीजिए, 2-3 नंबर देख लीजिए, ये 4 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर, यहाँ पे पूरी इंडिया में होगा। जब जितना जितना यहाँ पे नाम है पूरी जगह में होगा एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगा, ये मैं बता दिया। यहाँ पे देख लीजिए, उसके आगे देख लीजिए क्या क्या है आपका जो सिलेबस, ये है सिलेबस के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा। और NCC का जो बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं बता दिया था। अभी यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल क्रिट क्रॉप्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर एज ऑन 1/1/2021 विल बी गिवेन बोनस मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 व्हिच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ सच कैंडिडेट एज पर फ्लो स्कीम। आपका जो NCC का मार्क मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देख लीजिए, NCC सर्टिफिकेट जिनका पास है उनको बोनस मार्क पेपर 1 एंड पेपर 2 में मिलेगा। कितना मिलेगा देख लीजिए, NCC सर्टिफिकेट अलग को 10 मार्क्स 5% इन मिनिमम मार्क्स मिल जाएगा। NCC जो B सर्टिफिकेट है उनको 6 मार्क्स 3% ऑफ मेन मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। NCC एस सर्टिफिकेट को 4 मार्क्स 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। तो NCC वाला के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। इसका सिलेबस और एग्जामिनेशन एग्ज़ाम कैसे होगा उसके लिए मैं एक वीडियो बताऊंगा। अभी तो बता दिया एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन ही होगा, 2 स्टेज में होगा, पेपर 1 पेपर 2। इसका जो सिलेबस क्या होगा उसके बारे में मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा, तो आप टेंशन मत कर लीजिए। तो ये थी मेन जो चीज़। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को आपको समझ में आ गया। वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक करिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन करके रखिए। इसको करने में आपको यह फ़ायदा मिलेगा, मैं जब नया नया वीडियो डिफेंस भर्ती के बारे में जब नया नया वीडियो मैं अपलोड कर बना के अपलोड करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तब सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो आशा करता हूँ पूरी चीज़ आपको एक एक करके समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलता आज के लिए इतना है।